वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल का हलवा, वो भी बहुत ही फटाफट बनेगा। आपको दाल को भिगो के पीसने की जरूरत नहीं है। मैंने 1.5 कप मूंग दाल लिया है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद मिक्सी ग्राइंडर में इसका पाउडर बना लेंगे। ये मैंने ड्राई फ्रूट लिया है 1/2 कप। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट जितना चाहे उतना ले सकते हैं। मैंने 1/2 कप लिया, इसमें काजू किशमिश बादाम लिया है, 5 इलायची मैंने कूटी है और थोड़ा केसर का एसेंस लिया है अच्छा टेस्ट आने के लिए केसर का। अगर आपके पास केसर की पंखुड़ियां हो तो वो भी डाल सकते हैं दूध में भिगो के। और मैंने 1 कप ये घी लिया है और 1 कप चीनी लिया है मैंने, 700 ml मैंने दूध लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपनी कढ़ाई रखी है, इस पे हम अपने मूंग दाल को डाल लेते हैं और रोस्ट कर लेते हैं जब तक ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। गोल्डन सुनहरा होने के बाद हम इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो जल जाएगा। और लो फ्लेम पे मैं इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, फ्लेम हाई मत रखिएगा वरना ये जल जाएंगे। ये मैंने भून लिया है, इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेते हैं। देखिए मैंने इसका मिक्सी ग्राइंडर में से अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लिया, थोड़ा दरदरा रखा है, बिल्कुल फाइन नहीं है। अब हम अपने कढ़ाई में घी डालते हैं, थोड़ा सा घी मैंने रख रखा है, ये हम बाद में डालेंगे। इसे मेल्ट होने देते हैं, फ्लेम लो रखी है। अब हम इसमें ही अपना ये मूंग दाल का पाउडर डाल देते हैं और हम इसे चलाते रहेंगे बिल्कुल लो फ्लेम में 6-7 मिनट तक, और फिर छोड़ के मत चले जाइए वरना जल जाएगा। अब हम इसे चलाते रहेंगे ऐसे और वो भी 6-7 मिनट तक, जब तक इसकी अच्छी सी महक ना आने लगे, हल्का सा गोल्डन हो जाए। जैसे आप सूजी भूनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको भी अच्छे से चलाना है 5-6 मिनट। लो फ्लेम में भूनते भूनते 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम दूध डालेंगे, इसमें 700 ml दूध डाला है। अब हम इसको पकाएंगे क्योंकि मूंग दाल फूलती है तो ये अच्छे से फूलेगी और अभी इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी अपने आप ही, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पकाते रहिए इसको लो फ्लेम पे। अभी हम इसमें केसर एसेंस भी ऐड कर लेते हैं, फ्यू ड्रॉप्स, इनफ है, एसेंस काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इलायची डाल लेते हैं हम ये और इसको चलाते रहेंगे ताकि इसके लम्स हट जाए। ये लम्स दिख रहे हैं, ये चलाते रहिए इसको, ये सब डिसॉल्व हो जाएंगे इसमें अच्छे से। देखिए हलवा काफी जल्दी थिक हो गया है इसकी कंसिस्टेंसी, इसको चलाते रहिएगा और हल्का सा घी भी डालते रहिए बीच बीच में 1-2 चम्मच। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ, ये मैंने इसमें घी डाल दिया है और ऐसे ही हम ऐड करते रहेंगे घी। इसमें मैं शुगर भी डाल रही हूँ, चलाते रहिएगा अच्छे से। अभी इसमें से थोड़ा और थिक होगा ये, देखिए काफी थिक कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट भी मिला लेते हैं अपने और इसको अच्छे से 2-3 मिनट और चला लेते हैं। मैंने इसमें 2 कप घी का इस्तेमाल किया है और देखिए अब ये बिल्कुल इसके ज्यादा स्टिक नहीं हो रहा, कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी। अब इसे प्लेटिंग कर लेते हैं अपने हलवे की। ये देखिए गाइस मैंने प्लेटिंग कर ली है, कितना बढ़िया हमारा मूंग दाल का हलवा बना है। आप भी ट्राई करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को हमारे। थैंक यू।